नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वक्त के लाइव सत्र में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना भाल टंडन, और इस वक्त आप हमें देख रहे हैं हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जो कि है एनसीईआरटी ऑफिशियल। और इसके साथ ही आप इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं पीएम ई विद्या चैनल नंबर 6 से 12 पर, और एनसीईआरटी पीएम ई विद्या क्लास नंबर 6 से 12 के माध्यम से भी आप हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अगर आप अभी हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी आप हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आपको बता दें, ये हमारे 5 घंटे 5 दिन का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है, जिसका हमारा विषय है शिक्षण एवं अधिगम के लिए डिजिटल संसाधन के रूप में एनिमेशन, जिसमें आज दूसरा दिन है इस ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम का, जिसके अंतर्गत आज हम जानेंगे कृता का उपयोग करके एनिमेशन बनाना। और आपको बता दें कि अगर हमारे इस 1 घंटे के लाइव सत्र के दौरान अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न उठता है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8800440559। इसके साथ ही हमारा ईमेल आईडी है training.helpdesk@ciet.nic.in। और आपको बता दें कि आज का जो हमारा दूसरा दिन है हमारे इस ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम का, जिसमें आप जानेंगे कृता का उपयोग करके किस तरीके से आप एनिमेशन बना सकते हैं, इसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं श्री संतोष कुमार बिसेन जी, जो कि पीजीटी हैं जीव विज्ञान में, और जवाहर नवोदय विद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ से हमारे साथ मौजूद हैं। तो संतोष कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस लाइव सत्र में। धन्यवाद मैडम, जी धन्यवाद आपका। तो बहुत सारे लोग हमारे साथ इस वक्त संतोष जी जुड़ चुके हैं और हमारा ये प्रोग्राम जो है वो देख रहे हैं। तो आज हम जानेंगे किस तरह से कृता का उपयोग करके हम एनिमेशन बनाना सीख सकते हैं। तो इसके बारे में हमारे जो दर्शक हैं, जो हमारे छात्र छात्राएं इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, तो आप उन्हें क्या बताना चाहेंगे, किस तरीके से वो इसका उपयोग कर सकते हैं? जी, आज हम 2D एनिमेशन, बेसिकली 2D एनिमेशन की बात करेंगे। और एनिमेशन जैसे कई तरह का होता है, एनिमेशन 3D भी होता है, 2D भी होता है, स्टॉप मोशन भी होता है, क्ले मॉडलिंग से जैसे एनिमेशन करके देखते हैं, कुछ ग्राफिक मोशन भी होता है, जैसे पावर पॉइंट में या बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें ग्राफिक्स से भी हम लोग करते हैं, उसको एनिमेशन करते हैं। मगर बेसिकली हम लोग आज एक सॉफ्टवेयर की बात करेंगे जिसका नाम है कृता, और इस कृता पे हम लोग 2D नहीं, 3D नहीं, 2D एनिमेशन हम सीखेंगे। ये कृता जो है, मैं धीमे धीमे आपको स्लाइड दिखा रहा हूँ। देखिए, दीज आर, ये एनिमेशन के कुछ टाइप हैं। 2D एनिमेशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल पूरे वर्ल्ड में है, ना इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में है, वो है आपका टॉम एंड जेरी। और 3D एनिमेशन में आइस एज जैसे बहुत सारे ऐसे फिल्म आई हैं। मोशन ग्राफिक में डूडली करके जो एक है, वो मोशन ग्राफिक का एनिमेशन है। और स्टॉप मोशन में वैलेसन ग्रोमिट करके आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा आपको। तो हमने आज हम सबसे फर्स्ट वाला जो येलो कलर में हाईलाइटेड है, 2D एनिमेशन, इसकी बेसिक चीज़ें देखेंगे हम लोग। वैसे इस एनिमेशन जो होता है बहुत बड़ा कैनेक्टिक प्रोग्रामिंग है, मगर आज हम 1 घंटे में एनिमेशन की बेसिक चीज़ें जो होती है कि कैसे हम इन चीज़ों का बेसिक टूल का यूज़ करते हुए हम एनिमेशन तैयार कर सकते हैं। हालांकि एनिमेशन एक इतना बड़ा इंडस्ट्री भी है, इतना बड़ा काम है कि वो 1 घंटे में सफिशियंट या टाइम नहीं है, मगर हम उसका एक क्रू अगर मिल जाए तो कुछ सीखने वाला। इस आपके सामने जो कृता का जो नया जो रिलीज्ड वर्जन है 5.0.6 कृता, ये लेटेस्ट है। ये आप उसके वेबसाइट से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये ओपन सोर्स है। इसी से इसके जैसे ही एक सॉफ्टवेयर है फोटोशॉप, मगर फोटोशॉप जो है वो लाइसेंस्ड वर्जन है। ये फोटोशॉप का एक अच्छा ऑप्शन है, अच्छा ऑप्शन इसलिए है, सब्स्टिट्यूट है, क्योंकि फोटोशॉप में ग्राफिक भी तैयार होता है, मगर उसमें फोटोशॉप में आप लोग एनिमेशन नहीं कर सकते हैं। और ये कृता एक सॉफ्टवेयर ऐसा है कि आप एनिमेशन भी कर सकते हैं और साथ साथ ग्राफिक्स भी तैयार कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है ये। और अगर आप कई बार ऐसा होता है कि हम कृता का यूज़ क्यों करें जब हमारे पास रेडीमेड टूल्स हैं, पावर पॉइंट है, बहुत सारे ऐसे रेडीमेड टूल्स हैं, तो हम कृता का यूज़ क्यों करें? तो मैं जितने भी यहाँ स्टूडेंट्स हैं या हमारे जो एडुकेटर्स हैं, शिक्षक साथी हैं, और मैं उनको बोलना चाहूँगा कि देखिए, ये एक ऐसा सोल्यूशन है कृता, ये ऐसा प्रोग्राम है जिसको अगर आपने सीख लिया, और यदि इसका सीखते हुए अगर आपने इसका यूज़ कर लिया, तो ये मान के चलिए कि आपको किसी भी दूसरे सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है।
मीन्स किसके लिए? आप अगर क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं तो इसका यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर में इन बिटवीन यदि हम ग्राफिक्स दे रहे हैं या कोई पिक्चर दे रहे हैं तो इससे हम क्रिएट कर सकते हैं। आप यदि क्लासरूम में एनिमेशन बनाना चाहते हैं तो इससे आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल एक ऐसा प्रोग्राम है ना, कंप्लीट पैकेज है ये। मगर हाँ, ये बात सही है कि इस चीज को, इस किरदार को सीखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। इस बीच मैं आपको जो स्लाइड दिखा रहा हूँ, ये इसके इसके फ्रंट पे ने होम पेज की है। होम पेज के बाद अभी हम करके भी देखेंगे, हम लोग मेजर तो हम लोग लाइव सेशन ही करेंगे, हैंड्स ऑन सेशन करेंगे, ताकि जो न्यू लोग नए लोग हैं उनको एनिमेशन की कुछ इंटरफेस पता चल सके। ये आपके पास एक जो अभी स्क्रीन दिख रहा है, ये आपका स्क्रीनशॉट है आपके होम पेज का, और देख रहे हैं मैं यहाँ ड्रॉ भी कर रहा हूँ। ये वाला जो पोर्शन है ये है एक्चुअली आपका कैनवास, ये कैनवास है। और कैनवास में ऊपर की ओर ध्यान दीजिएगा, सभी लोग ध्यान से देखेंगे तो ऊपर की ओर, यहाँ इधर की ओर जो है ना, इसके मेजर जो टूल्स हैं, इसके मेजर टूल्स हैं, वैसे ही टूल होते हैं जैसे सारे के सारे, जैसे फाइल कॉमन है, एडिट कॉमन है, व्यू भी कॉमन है। यहाँ स्पेसिफाई कुछ जो नए टूल हैं वो है आपका इमेज, लेयर, सिलेक्ट, फिल्टर टूल और सेटिंग। तो सेटिंग पे हम जब अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे, सेटिंग पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ एक विंडो खुलाती है। वो विंडो क्या होती है मैं दिखाता हूँ आपको थोड़ी देर बाद में। उसके बाद देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड में ना, यहाँ टूल्स हैं इसके, मेजर जो इसके शॉर्टकट टूल्स यहाँ हैं। उसके बाद नीचे की ओर ध्यान दीजिएगा कि जिस पे एक्चुअली हम लोग काम करने वाले हैं वो है एनिमेशन पैनल जो है, ये टाइमलाइन जिसको बोलते हैं, एनिमेशन टाइमलाइन। ये देखिए मैं जहाँ अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, दिस इज द, ये है एनिमेशन टाइमलाइन है। और यहाँ की ओर दिख रहा होगा आपको छोटे छोटे बहुत सारे कहने छोटे छोटे ब्लॉक दिख रहे हैं, ये ब्लॉक हैं आपके फ्रेम। तो आज हम बेसिकली, हम ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये फ्रेम्स हैं, है ना। और इस पे हम बात बात करेंगे इस वाले डोमेन पे, इधर वाले डोमेन पे। यहाँ जो टूल है वो थर्ड है आपका, जो आपके एनिमेशन टाइमलाइन है। और एनिमेशन टाइमलाइन के साथ फ्रेमिंग जो होती है, कैसे फ्रेमिंग में टाइमिंग और स्पीड कैसे कंट्रोल करते हैं वो देखेंगे हम लोग। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ कि एक दूसरे एक बेसिक जो प्रिंसिपल के, जो 12 प्रिंसिपल्स होते हैं हमारे एनिमेशन के, 12 प्रिंसिपल हैं। ये 12 प्रिंसिपल जो होते हैं मैं आपको शो कर रहा हूँ। सी, कैन यू सी दिस स्क्रीन? दिस इज स्क्रीन इज देयर जस्ट आपके सामने, ये स्क्रीन दिखाई दे रही है। और ये स्क्रीन में लगभग 10 प्रिंसिपल होते हैं एनिमेशन के। ये एनिमेशन के 10 प्रिंसिपल, मजेदार बात है कि जो टॉम एंड जेरी के, जो प्रोडक्शन हाउस के, जो थॉमस और जॉनसन जो दो एनिमेटर थे, उन्होंने बनाया था। और ये वर्ल्ड वाइड 2D एनिमेशन के प्रिंसिपल्स हैं। तो फर्स्ट है टाइमिंग एंड स्पेस, टाइमिंग स्पेसिंग एंड, सेकेंड है ईज, थर्ड वन इज, तीसरा है मास एंड वेट, एंटीसिपेशन, आर्क, स्क्वेयर्स, स्ट्रेच, है ना, और लेयर्ड एनिमेशन, ओवरलैपिंग। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक कंप्लीट एनिमेशन को तैयार करने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। मगर बेसिकली हम लोग चूंकि आज एक ऐसे सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, ये है सॉफ्टवेयर का, मैंने अभी आपके सामने जो खोल के दिखाया, अब ये सॉफ्टवेयर का कंप्लीट होम पेज है। मैंने आज के एनिमेशन को स्टार्ट करने से पहले, इसके पहले के सेशन में कुछ कुछ एनिमेशन हमने किया है जो टीचिंग और टीचिंग लर्निंग से रिलेटेड है, वो मैं कुछ रेडीमेड जो बने हुए हैं और इसी से ऐसे ही सेशन में बनाया था हमने, तो ये मैं फर्स्ट एनिमेशन रन करके दिखा रहा हूँ। जैसे अमीबा होता है, बिल्कुल छोटे छोटे एनिमेशन हैं जो एक टीचर कर सकता है। अमीबा जो बायोलॉजी के हैं या जो साइंस पढ़ाते हैं टीचर, अमीबा कैसे फूड को एनगल्फ करता है, मैंने यहाँ एक एनिमेशन जस्ट आपके देखने के लिए, अभी इस ढंग का एक एनिमेशन हम करके भी देखेंगे। ये तो बहुत हैंडी एनिमेशन है, बहुत छोटा सा एनिमेशन है। मैं इसको यहाँ से देखिए, इस साइड जहाँ एरो दिख रहा है, मैं यहाँ बिल्कुल वैसे ही प्लेयर्स की तरफ, पूरा पैनल होगा, स्टॉप है, प्ले है, रिवर्स है, रिवाइंड है, फॉरवर्ड है। तो देखिए मैंने यहाँ यहाँ क्लिक किया मैंने, तो देखिए ये अभी आप देख रहे हैं कि ये अमीबा है, ये फूड मटेरियल को जो है एनगल्फ कर रहा है। अभी देखिए इसकी बहुत स्पीड बहुत फास्ट है। अभी हो सकता है कि शुरुआत में आपको लगे कि अभी तो हमने ये, मैंने कुछ सिखाया नहीं और आप स्पीड की बात कर रहा हूँ, फिर भी हम करके देखते हैं। मैं सारी चीज़ें मैं भी थोड़ी देर में करके दिखाता हूँ बाकी बाकी दूसरे एनिमेशन पे। तो मैंने यहाँ से इस वाले पे जाएंगे, इस वाले छोटे सी विंडो पे जाएंगे, तो यहाँ से हम इसको 100% एनिमेशन को मैं
इसकी स्पीड कम करता हूँ और इसकी स्पीड 100 से मैं कर देता हूँ 70। देखिए 70 अगर मैंने कर दिया तो इसका एनिमेशन का जो है स्पीड कम हो गया, है ना। इसको मैं ऐसे रोल डाउन करके भी मैं इसकी स्पीड कम कर सकता हूँ। तो ये इस तरह से, मैं बताने का मतलब ये है कि आप बिल्कुल सिंपल एनिमेशन जो है, ये ठीक है कि बहुत सारे पब्लिशर्स हैं, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि सारे एनिमेशन अवेलेबल होंगे, मगर होता क्या है कि टीचर, मैं भी टीचिंग कर रहा हूँ, लगभग 33 ईयर्स मुझे हो गए हैं, तो मैंने इस बीच पाया कि ये बात तो है कि हम इस क्लासरूम में यदि कोई कंटेंट है और एग्जैक्टली मैं मेरे मेरे विजुअलाइजेशन के हिसाब से जब मैं सोचता हूँ कि नहीं कोई एक ऐसा कंटेंट है और जो हमारे टेक्स्ट बुक का पार्ट है और बिल्कुल एज इस ढंग से एनिमेट होना चाहिए, तो जब मैं सर्च करते हैं हम लोग तो एग्जैक्टली वैसा एनिमेशन नहीं मिलता है। और टीचिंग लर्निंग में हम जानते हैं कि विजुअलाइजेशन जो है बड़ी चीज़ होती है, कि हर टीचर हर सीन को, हर कंटेंट को अलग अलग तरीके से विजुअलाइज करता है। तो जब आपका खुद का विजुअलाइजेशन यदि आप एनिमेशन में बना लें तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। एक दूसरा एनिमेशन देखिए, मैं यहाँ एक एनिमेशन के साथ इसमें आपको साउंड भी आएगा, मैं इस एनिमेशन को प्ले कर रहा हूँ, देखिए ये देखिए, ये 2D एनिमेशन है। और इस एनिमेशन में आप ये देखेंगे कि कितनी बिल्कुल प्रोफेशनल क्वालिटी का एनिमेशन है ये, साउंड भी आ रहा है, बर्ड का है। मैं इसको रोक रहा हूँ, मैं इसको रोक रहा हूँ, देखिए ये बर्ड का जो लोकेशन है वो जो मैं बिल्कुल ऊपर रखा है मैंने, क्योंकि किसी एक सीन का हिस्सा था ये, किसी एक पूरी की पूरी सीक्वेंस का हिस्सा था, इसलिए ये जो ऊपर की ओर यहाँ फ्लेवर। तो मैं मेरे दिखाने का मतलब ये है कि देखिए ये सब एक टीचर ने किया, मैंने किया है, और ये जो चीज़ आप भी कर सकते हैं। तो इतने प्रोफेशनल क्वालिटी का जब एनिमेशन आप क्रिएट कर सकते हैं क्रेता से, इसका मतलब है कि आपके हमारे एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में जितना भी कंटेंट दिया हुआ है उसको हम अपने विजुअलाइजेशन के हिसाब से इसको ना हम डिज़ाइन कर सकते हैं, है ना। तो इसको भी मैं ऑफ कर रहा हूँ, और एक और एनिमेशन जो बना बनाया है तो मैं वो दिखाता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग नया सीन, छोटा सा एक सीन क्रिएट करेंगे। एक एक एनिमेशन ये भी है, जो ये सारे के सारे एनिमेशन दिखाने का मतलब ये है कि ये कृता का ही प्रोडक्ट है। आपको लगे कि कृता से कितना बढ़िया एनिमेशन हो सकता है ना, ये कृता के ही प्रोडक्ट हैं और इसी वर्जन को से के हेल्प लेके बनाए गए हैं। ये एक सीन दे देखिए, इसमें गाय जो है, एक गाय ये रन कर रही है, और इसमें आप देख रहे होंगे कि गाय तो एक्चुअली वही है, मजेदार बात है कि पीछे का जो बैकग्राउंड है, बीजी है, वो पीछे की ओर रोल अप हो रहा है ना। तो कुंडला की ये 2D एनिमेशन का एक सुंदर सा पार्ट है, और इस ढंग की छोटी छोटी चीजें आप कर सकते हैं। ये छोटे छोटे मैंने सीन दिखा रहा हूँ, बहुत सारे सिक्वेंस है, इसको मिलकर सीन बनता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, मैं ये जो बने हुए एनिमेशन दिखाने का मेन पर्पस यही है कि आप ये समझ सकें कि एनिमेशन कृता से आप किसी भी लेवल का एनिमेशन कर सकते हैं, बहुत क्वालिटी वाला एनिमेशन भी कर सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, हम इस एनिमेशन सॉफ्टवेयर से छोटा सा एक एनिमेशन क्रिएट करते हैं, और जिसमें हम कोशिश करेंगे कि एक इतने समय में एक छोटा सा एनिमेशन हम क्रिएट करते हैं, और उसके साथ साथ हम टूल्स भी सीख जाएंगे। उसके पहले, सबसे पहले हमको क्या करना है कि विंडो पे जाइए, यहाँ इस साइड विंडो, और विंडो पे जाने के बाद जो है आप यहाँ से वर्क स्पेस करके आएगा, विंडो पे क्लिक करेंगे तो वर्क स्पेस आएगा, और वर्क स्पेस पे आप एनिमेशन क्लिक कर दीजिए, तो एनिमेशन का ये आपके पास पूरा का पूरा स्टेज आपके पास अरेंज हो गया है ना। ये टाइमलाइन है, अभी हम जब देखेंगे तो यहाँ आपके पास लेयर्स वगैरह सब आ जाएंगे। इस सॉफ्टवेयर पे जब सेटिंग पे क्लिक करते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ सेटिंग पे जब क्लिक करते हैं तो यहाँ डॉकर्स करके एक आता है, जरूर आप याद रखिएगा डॉकर्स, और डॉकर्स में सारे के सारे सॉफ्टवेयर, सारे के सारे टूल्स यहाँ हैं, है ना। तो ये सारे के सारे टूल्स यहाँ हैं, अगर कभी कभी ऐसा होता है ना कि ऑफ हो जाता है, ये तो ऑफ जब हो जाता है तो हम यहाँ से उनको ऑन कर सकते हैं, इसको स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया, तो मैं भी चूज कर रहा हूँ आपके वर्क स्पेस में, बेसिकली हम एनिमेशन स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। बिग पेंट टू करते हैं तो इस ढंग का कहना चाहिए इंटरफेस आता है, मैं यहाँ से करके दिखा रहा हूँ आपको, और वर्क पे अब बिग बिग पेंट करेंगे तो इस ढंग का इंटरफेस आता है ना।
मैं एक इंटरफेस यूज कर रहा हूँ आपको वर्क स्पेस और सीधे एनिमेशन के लिए, क्योंकि एनिमेशन क्रिएट करने वाले हैं हम लोग। तो हम बेसिकली, हमको चाहिए सबसे पहले क्या चाहिए, हमको चाहिए एक सॉफ्टवेयर, हमको कैनवास चाहिए। और जब कैनवास चाहिए तो हम कैनवास कहाँ से लेंगे, फाइल पे जाएंगे, और फाइल पे जाने के बाद न्यू, जैसे सब सॉफ्टवेयर में होता है न्यू, यहाँ देखेंगे इस यहाँ मैंने डायमेंशन दे रखा है, यहाँ पहले से प्री डिजाइन टेम्पलेट भी है, एनिमेशन टेम्पलेट भी है, पर मैंने अभी टीवी के लिए, यूट्यूब के लिए और उसके लिए जो डायमेंशन होता है वो बाय डिफॉल्ट जो आइडियल डायमेंशन होता है वो 920 विड्थ और हाइट है 101080, और रेजोल्यूशन में मैंने रखा है पिक्सल में तो 200 रखा है। और इधर अभी यहाँ कुछ भी चेंज मत करिए और जस्ट आप क्रिएट पे आप क्लिक कर दीजिए। अब जैसे ही क्रिएट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक ये कैनवास दिखाई दे रहा है। अभी हम इस कैनवास पे कुछ करके देखते हैं, छोटा सा एनिमेशन भी करके देखते हैं, ठीक है। अब एनिमेशन करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ और चीज़ें सीखनी पड़ेगी। यहाँ अगर इधर की ओर देखेंगे, ये लेयर्स करके एक जगह, यहाँ लेयर्स एक टूल होता है, ये लेयर्स है, और ये लेयर्स में आपको अभी लेयर्स दिख रही, यहाँ वन बैकग्राउंड पे है और दूसरा एक दूसरी लेयर है पेंट लेयर वन। तो अभी मैं सपोज यहाँ कुछ लिखता हूँ, ये सपोज मान के चलिए कि मैंने लिख दिया हाय, है ना, हाय लिख दिया, तो ये हाय ना इस पे है एक्चुअली, पेंट लेयर वन पे है, और हमारी बैकग्राउंड पे कुछ नहीं है, बैकग्राउंड पे हमारा जो है एक वाइट कलर लगा हुआ है ना। अभी मैं कुछ दूसरा कलर चूज करके, ये हमारी कलर जो कलर पैनल यहाँ है, और ये कलर चूज करके मैंने यहाँ से, अच्छा ब्रश अगर आप चूज करना चाहें तो इस साइड देखिए, यहाँ ऊपर की ओर जस्ट सेटिंग के नीचे एक छोटा सा आइकॉन दिख रहा है, यहाँ जब क्लिक करेंगे तो आपको ढेर सारे जो है ना, ढेर सारे ब्रशेस आपको दिख जाएंगे। इसमें से आपकी पसंद का कोई भी ब्रश ले लीजिए, मैं अभी हार्ड ब्रश ले रहा हूँ, ये ब्रश ले रहा हूँ, ये है ना, ये ब्रश लिया, और इस ब्रश का साइज अभी आपको नजर नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ से साइज आप इंक्रीज भी कर सकते हैं, ये देखिए इतना साइज हो गया, ये साइज तो काफ़ी इम्प्रैक्टिकल है, तो मैं इसका साइज लगभग रख रहा हूँ, ये काफ़ी छोटा है और इसका साइज ये रखा है मैंने। अभी मैं एक चीज़ लेयर का एक छोटा सा नेचर बता देता हूँ आपको मैं, कि लेयर कैसे काम करता है। अभी एक मैंने यहाँ से इधर की ओर देखिए, यहाँ प्लस साइन है, यहाँ यहाँ प्लस साइन पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो एक लेयर नहीं आ गई, यहाँ देखिए हमारी एक लेयर ये थी जिसपे कि हमारा अभी मैंने हाई लिखा है ना, और दूसरी लेयर ऊपर की ओर आ गई, अभी जो ब्लू कलर से लाई लेयर दिख रहा है वो एक्टिवेट है। और यदि मैं अभी इस पे कुछ लिखता हूँ, जैसे हाई पे मैंने एक लाइन ऐसे खींच दिया, ऐसे खींच दिया, तो इसका मतलब है कि हमारी हाई वाली जो लेयर है नीचे की ओर है, और जो ब्लू कलर का जो स्पॉट है वो ऊपर की लेयर पे है। इसको ना आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, जैसे आप चाहते हैं कि नहीं, ये जो ब्लू वाली जो लाइन है पिंक वाली, ये हाई के पीछे होना चाहिए। मैं कॉन्सेप्ट इसलिए बता रहा हूँ कि देखिए, मैं इसको फिर से एक दूसरे तरीके से बताता हूँ, मैं हाई की जगह एक यहाँ छोटा सा एक बड़ा सा, ये देखिए, एक ये मान के चलिए कि लेयर नंबर वन पे है एक लेयर, अच्छा लेयर क्रिएट करने के लिए यहाँ से प्लस पे जैसे क्लिक करेंगे तो एक लेयर यहाँ आ गया। अभी दूसरा वाला मैं कुछ एक डिज़ाइन या कलर मैं इस लेयर पे रखता हूँ, इस वाली लेयर पे, ये मैंने ले लिया ब्लू कलर ले लिया, तो ब्लू कलर जब मैं करता हूँ तो अभी देखिए ब्लू कलर जो है, बारह ब्लू कलर ऊपर है और हमारी पिंक कलर का जो स्पॉट है नीचे है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नीचे है। जैसे ही मैं इसको स्लाइड करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि नहीं, ये वाला जो सीन है, ब्लू वाला जो सीन है, वो हमारे पिंक वाले सीन के नीचे होना चाहिए, है ना, क्योंकि सीन वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ सीन ही आएंगे अभी। तो जैसे ही मैं ये करता हूँ कि इस वाली लेयर को यहाँ से, चाहे तो आप ऐसे ऊपर भी रोल कर सकते हैं, या फिर मान के चलिए देखिए यहाँ डाउनवर्ड एरो है, अपवर्ड एरो है, मैं चाहता हूँ कि इस वाली यानी पिंक वाली लेयर को मैं चाह रहा हूँ ब्लू के ऊपर आनी चाहिए, यानी पिंक वाला ऑब्जेक्ट हमारे ब्लू के पीछे ऊपर होना चाहिए। तो जैसे ही मैं अपवर्ड एरो को क्लिक कर रहा हूँ, देखिए यहाँ चेंज हो गया है ना, आपका जो ब्लू राउंड है वो पीछे की बैकवर्ड चला, बीच पीछे चला गया, और आपका ये उसके ठीक उल्टा अगर करता हूँ कि नहीं इसको मैं नीचे लाता हूँ, ये नीचे आ गया है ना। तो ये चीज शॉर्ट में इसलिए मैंने आपको बता दिया कि अभी हम वो चीज़ कर थोड़ा सब चीज़ें करके देखेंगे। ये तो लेयर का कहना चाहिए कि बिहेवियर हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं, छोटा सा एक एनिमेशन स्टार्ट करते हैं, और मैं इसको अंडू कर देता हूँ। चलिए,
अभी हम एक एनिमेशन देखते हैं, और एनिमेशन में कोई भी एक, सपोज मैं एक छोटा सा एनिमेशन क्रिएट कर रहा हूँ, और उसके साथ साथ मैं टूल्स का बिहेवियर भी आपको बता देता हूँ। एक एनिमेशन है, मैंने बैकग्राउंड लेयर लिया, और बैकग्राउंड लेयर लेकर अभी बैकग्राउंड लेयर में देखिए, मैं जब काम करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये इस ढंग से अनलॉक है, इस ढंग से अगर साइन आता है तो लॉक है ये, तो इसको अनलॉक करना पड़ेगा। तो मैं अनलॉक नहीं कर रहा हूँ, इसकी जगह मैं दूसरी लेयर पे काम कर रहा हूँ, बैकग्राउंड को छोड़ देते हैं ऐसे ही, है ना। और इस लेयर पे मैंने अभी ये देखिए, यहाँ लॉक जो है ओपन है। अभी मैं इसको क्या करता हूँ कि यहाँ एक मेरे जस्ट एक रेफरेंस के लिए मैंने कलर यूज कर रहा हूँ ब्लैक, और रेफरेंस के लिए मैंने एक लाइन यहाँ खींच दी, ये जस्ट एक रेफरेंस के लिए कि ये मेरा कहना चाहिए, इससे नीचे एनिमेशन नहीं जाएगा। मैंने इसको खींच के इसको लॉक कर दिया, देखिए यहाँ से ना लॉक हो गया, अब इसमें कुछ काम नहीं होगा। अब मैंने क्या किया कि दूसरी लेयर लिया, अभी लेयर यहाँ नीचे ऊपर की ओर है, और इस पे मैंने एक, जैसे अगर याद रखना हो तो इस पे ना डबल क्लिक करके ना आप नाम भी मैं लिख रहा हूँ, ऑब्जेक्ट 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 जो मैंने एंटर मार दीजिए, और ऑब्जेक्ट बना के मैंने क्या कर रहा हूँ कि मैंने यहाँ एक ड्रॉ कर रहा हूँ, एक जस्ट छोटा सा प्लांट। और बेसिकली सीन क्या है कि हम एक फोटोसिंथेसिस का छोटा सा, एक लर्निंग के लिए छोटा सा एक हम एनिमेशन क्रिएट करते हैं, कोशिश करते हैं, है ना। बाद में हम उसके रेंडरिंग भी करेंगे, पूरी प्रोसेस तक जाएंगे, और फाइनल हमारा आउटपुट जो एक यूनिवर्सल फाइल होती है जो किसी भी प्लेयर पे चला सकते हैं, वो हम करके देखेंगे, है ना। तो मैं यहाँ से एक छोटा सा, एक ऐसे बिल्कुल कोई, आप इसको यूज कर सकते हैं, वेकॉम का पेन टेबलेट यूज कर सकते हैं, ना भी हो तो आप माउस से भी कर सकते हैं, या यहाँ जो ग्राफिक के लिए ढेर सारे टूल्स हैं वो ग्राफिक वाले सेशन में वो ग्राफिक की बातें होंगी, आज चूंकि एनिमेशन है तो हम एनिमेशन की बात करते हैं। तो ये देखिए, ये एक प्लांट है, और मैंने इसकी एक लीफ ये बना दिया, और एक लीफ जो मैंने ये बना दिया। और हम फोटोसिंथेसिस का एक करना चाहिए कॉन्सेप्ट देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस में जो होता है उसको कोशिश करते हैं कि हम छोटा सा कॉन्सेप्ट है, और फोटोसिंथेसिस में जो भी हमारे साथी हैं जो बायोलॉजी वाले समझते हैं, अभी मैं इसको ऐसे ही रखता हूँ, और चाहे तो अभी हम इसमें कलर भी फिल कर सकते हैं। मैंने यहाँ कलर फिल करने के लिए यहाँ एक देखिए इधर की ओर एक ये बकेट टूल है, और इसमें कलर फिल करना जरूरी होगा क्योंकि अभी हम ऑब्जेक्ट को आगे पीछे दिखाएंगे तो वो इसी से पता चलेगा। ये मैंने कलर फिल कर दिया, एक ऑब्जेक्ट बन गया, और इसको मैंने लॉक कर देता हूँ, इसमें लॉक कर दिया ताकि अब इस पर कोई अल्टरेशन नहीं होगा। फिर से मैं एक नई लीफ नया मैं क्या लेता हूँ, एक लेयर लिया मैंने। नई लेयर लेने के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं एनिमेशन की। क्लोरोफिल तो इसमें है, लीफ में क्लोरोफिल है क्योंकि ग्रीन कलर हमने फिलअप कर दिया है, और इसके लिए जो है ऊपर से मैं अब यहाँ टाइप भी कर सकते हैं आप, मैं अभी टाइप ना करके मैं सीधे इस ब्रश का लेके, अच्छा आप ध्यान दीजिए कि इधर की ओर हमने ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा अभी इस लेयर पे है, आपकी ये वाली लेयर पे, ऑब्जेक्ट लेयर पे है, अभी इस लेयर को हमने ऑफ करके रखा हुआ है। और अभी अब जैसे ही एनिमेशन क्रिएट करते हैं तो आपके सामने नई एक चीज, नया सीन आता है, ये आपके एनिमेशन टाइमलाइन का जो यहाँ से लेके यहाँ तक है, और इधर की ओर एक ओनियन स्किन करके एक ऑप्शन भी है। ये क्या, इस क्या काम करता है थोड़ी देर में बताता हूँ आपको मैं। हमारा अभी ऑब्जेक्ट जो है अभी पेंट लेयर टू पे, यहाँ जो आपकी जो बहुत सारे देख रहे हैं, देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ और मैं इसको बढ़ा रहा हूँ, तो देखिए ये है, ये बहुत सारे फ्रेम है नीचे की ओर, देखिएगा ये फ्रेम है, मैं जस्ट एरो का यूज करके कीबोर्ड से एक फ्रेम को आगे पीछे कर रहा हूँ, है ना। जो फ्रेम पे क्लिक है वो फ्रेम एक्टिव है, तो सपोज अभी मैं मान के चलता हूँ कि इस वाले फ्रेम पे, फर्स्ट वाला जो फ्रेम है ना, इस फ्रेम पे हमको फ्रेम क्रिएट करना है, तो यहाँ राइट क्लिक करता हूँ, और राइट क्लिक करने के बाद मैं यहाँ एक ऑप्शन दे रहा हूँ कि क्रिएट ब्लैंक फ्रेम, यहाँ क्रिएट ब्लैंक फ्रेम करना पड़ेगा, हमने क्रिएट जैसे ही क्रिएट किया, क्रिएट ब्लैंक फ्रेम, तो अभी आपका ऑब्जेक्ट जो है यहाँ आ गया है ना, इस पे है अभी ये ऑब्जेक्ट, इस पे है, इसको सिलेक्ट करने के लिए मैं इसको मूव भी कर, मुझे मूव भी कराना है, तो यहाँ इधर देखिए दो टूल यहाँ बहुत मेजरली यूज होंगे, टी टी का अगर यूज करेंगे तो मूव होगा,
और यदि आप कंट्रोल टी करेंगे तो आपका ट्रांसफार्म मतलब इसको शेप ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो मैं टी का यूज़ करके, मूव टूल है देखिए, टी का यूज़ करके जो है अभी इसको अनलॉक करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा इस वाले लेयर पे जाके इसको अनलॉक करना है, तभी तो हम इसको मूव कराएंगे। अभी देखिए ये मूव हो रहा है, तो बेसिकली मैं इसको यहाँ रख देता हूँ, है ना, यहाँ रख देता हूँ। तो हमारा एक फर्स्ट वाला फ्रेम क्रिएट हो गया, अभी फर्स्ट फ्रेम क्रिएट हो गया। अभी सेकेंड फ्रेम में मैं जाता हूँ, यहाँ यहाँ की ओर सेकेंड फ्रेम में मैं जा रहा हूँ, और यहाँ फ्रेम में फिर से मैं वही करूँगा कि क्रिएट ब्लैंक फ्रेम। क्रिएट ब्लैंक फ्रेम करने के बाद जो है मैं ना, अब मैं चाहता हूँ कि नहीं इस उसमें थोड़ा सा वेविंग हो, हवा चलने का थोड़ा सा इफेक्ट आए, तो मैं क्या करता हूँ इसको ट्रांसफॉर्म टूल लेता हूँ। और ये ट्रांसफॉर्म टूल लिया, पहले हम इस मूव टूल से सिलेक्ट कर लेंगे, और ये लॉक है लगता है, हाँ ठीक है। अभी मैंने इसको यहां से सिलेक्ट किया, और इस ट्रांसफॉर्म टूल का यूज करके मैं हल्का सा इसको मोमेंट दे रहा हूँ, ऐसे हल्का सा मोमेंट दे रहा हूँ, ऐसे कि ऐसे लगे कि जैसे वो ट्री जो है थोड़ा सा वेव कर रहा है ना। और इस पिवोटल पॉइंट को मैं यहाँ कर रहा हूँ, ताकि यहीं से वो जो मोमेंट होना है ऐसे मोमेंट हो। सेकेंड वाले में इतना मोमेंट हुआ, इसी चीज को अभी हम क्या करेंगे कि हम एंटर मार देते हैं। इसके बाद जो है एक फ्रेम छोड़ के इस फ्रेम पे फिर मैं करता हूँ क्रिएट ब्लैंक फ्रेम, और क्रिएट ब्लैंक फ्रेम करने के बाद देखिए हमारा पहले वाला जो ऑब्जेक्ट गायब हो गया है। तो अभी हम फिर से इधर की ओर जाना पड़ेगा हमको, और इसमें से इस ऑब्जेक्ट को एज एज इट इज इसी पोजीशन पे, फ्रेम की पोजीशन पे इसको हम करेंगे कॉपी फ्रेम कर लेते हैं इसको। इसको हम करते हैं कॉपी फ्रेम, कॉपी फ्रेम, और हम यहां जाके हम क्या करते हैं इसको हम पेस्ट फ्रेम करेंगे, यहाँ ये पेस्ट फ्रेम करते हैं, कॉपी फ्रेम, और इसमें जाके हमने किया पेस्ट फ्रेम। और फिर से मैं इसको यूज कर रहा हूँ मूव टूल का यूज करते हुए, मूव टूल का यूज किया, और मैंने इसको किया और हल्का सा मैंने इसको पिवोटल पॉइंट यहाँ रखा, और इसको फिर से मैं इधर की ओर ला रहा हूँ, और फिर से मैंने एंटर किया। और अभी मैं यहाँ एक एक नया ऑप्शन देखिए, मैंने यहाँ ना यहाँ की ओर जाएंगे तो एक बल्ब का ऑप्शन, छोटा सा बल्ब का ऑप्शन दिख रहा है, इसको बोलते हैं ओनियन स्क्रीन बोलते हैं। अभी ओनियन स्क्रीन ऑफ है, उसका एक छोटा सा पैनल इधर की ओर दिया हुआ है। ओनियन स्क्रीन का एक्चुअली फंक्शन बड़ा किसी भी 3D बोले या 3D या 2D सॉफ्टवेयर में, ओनियन स्क्रीन का बहुत ही एनिमेशन में बड़ा पावरफुल टूल है ये। ये छोटा सा बल्ब दिख रहा है, जैसे जैसे ऑन कर रहा हूँ मैं, तो देखिए ये ओनियन स्क्रीन पीछे की ओर हमारा जो एक्टिव लेयर है वो एक्टिव लेयर है आपकी ग्रीन वाली जो कलर दिख रहा है ना, ये कलर है। और आपका पीछे अगर जाते हैं, ये लगभग 1, 2, 3, लगभग 3 इसमें लेयर्स कहना चाहिए हो गए हैं हमारे फ्रेम। अभी फिर से मैं इसी चीज़ को यहाँ से कॉपी फ्रेम करता हूँ, और नेक्स्ट वाले फ्रेम पे यहाँ मैं इसको पेस्ट फ्रेम कर देता हूँ, पेस्ट की फ्रेम। और फिर से हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करेंगे इसको, और सेलेक्ट करने के बाद फिर से वही एक थोड़ा सा मूवमेंट देते हैं यहाँ, इसको हल्का सा फिर वेव करने के लिए इधर कर देते हैं हल्का सा। तो अभी बेसिकली हो क्या रहा है कि मैं इसको इस वाले उसको ऑफ कर दे रहा हूँ, और अगर हम देखेंगे देखिए यहाँ से ये देखिए छोटा सा एनिमेशन यहाँ दिख रहा है आपको, ये तो मैं अभी दोनों फ्रेम को ना, इन दोनों फ्रेम को कॉपी कर लेता हूँ, बेसिकली इन दोनों इन इन फ्रेम को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी फ्रेम, और मैंने यहाँ से इसको पेस्ट फ्रेम कर देता हूँ, पेस्ट की फ्रेम। तो अभी आपके पास यहाँ भी एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ नहीं है, तो इस वाले की फ्रेम को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी की फ्रेम,
पेस्ट की फ्रेम, कॉपी की फ्रेम, पेस्ट की फ्रेम। देखिए यहां एक दो तीन चार, देखिए इसमें मोमेंट है, इसमें मोमेंट है, इसमें मोमेंट है ना। तो अभी हम जो है हल्का सा मोमेंट देने के लिए हमने काम किया है, और अभी हम इस चीज को इतना ही रखते हैं। अगर हम इसको प्ले करते हैं, अच्छा मैं रोक रहा हूँ इसको, मैं देखिए स्टार्ट करने से पहले हमको ना यहाँ से इस वाले फ्रेम को हमको देना पड़ेगा स्टार्ट की फ्रेम, सेट टाइम करना पड़ेगा, सेट स्टार्ट टाइम। और हमने मैक्सिमम अभी ना बहुत लंबा नहीं करके हम लोग जस्ट 20 फ्रेम पे जाते हैं, और इसको मैंने दे दिया है सेट एंड टाइम। तो हमारा एनिमेशन बेसिकली यहीं तक रन होगा, है ना, बेसिकली यहीं तक रन होगा। तो अभी हम देख लेते हैं इसको, मैं रोकता हूँ इसको और कुछ सीन पीछे जाते हैं हम लोग। चलिए हाँ, अभी हमने ये हमारा पास सीन है, मैंने इसको फिर से कोई किया कॉपी की फ्रेम, यहाँ मैंने पेस्ट फ्रेम की फ्रेम कर देता हूँ, फिर इस वाले कॉपी की फिर मैं कर रहा हूँ यहाँ इसको पेस्ट की फ्रेम, फिर वही कर रहा हूँ एक दो तीन। तो यहाँ मोमेंट है, यहाँ मोमेंट है, इसमें मोमेंट नहीं है, तो हम इसको थोड़ा सा मोमेंट देते हैं, हल्का सा इसको मोमेंट देंगे। यहाँ इसको सिलेक्ट करने के बाद जो है इसको हल्का सिलेक्ट करते हैं, कुछ टूल का ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है यहाँ। कई बार सॉफ्टवेयर भी मिसबिहेव करता है, कॉपी की फ्रेम पेस्ट की फ्रेम। चलिए इसको हम ये हमने इस वाले प्लांट को बना दिया, और यहाँ से इसको हम लॉक कर देते हैं, इस वाले फ्रेम को लॉक कर देते हैं और नया फ्रेम लेते हैं हम लोग। और नया फ्रेम लेने के बाद नया लेयर लेते हैं, नई लेयर पे जाके हम लोग देखते हैं कि अब जो है मैं यहाँ से एक ब्रश, फिर से ब्रश टूल ले रहा हूँ, और ब्रश टूल लेने के बाद, ब्रश टूल लेने के बाद अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ कार्बन, मैं दूसरा कलर ले रहा हूँ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड एयर में होती है, और मैंने जस्ट एक बाय मैनुअल लिख रहा हूँ, ये कार्बन डाइऑक्साइड का एक है, एक लेयर पे है कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड हम ये मान के चलते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ अब इस इधर की ओर मूव करेगा, है ना। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को मैंने यहाँ से लिया, और कार्बन डाइऑक्साइड इस फ्रेम से आ रही है, यहाँ से कॉपी किया मैंने, और कॉपी करके कॉपी फ्रेम, और मैंने यहां से पेस्ट फ्रेम किया, और इसको हम मूव कराते हैं यहां से। अभी एक हमारा कार्बन डाइऑक्साइड इस फ्रेम पे है, और अगला वाला कार्बन डाइऑक्साइड यहां है, तो इसको मूव करके मैं यहाँ ले आता हूँ, और फिर इस वाले मोमेंट को कॉपी की फ्रेम करके सेकेंड वाले इस पे रखता हूँ, और यहाँ पेस्ट की फ्रेम, और फिर से इसको हम कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से यहाँ की ओर पहुँचाते हैं। अभी जरा इसका मोशन देखते हैं कि किधर की ओर, देखिए यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड फर्स्ट या मालिक्यूल यहाँ लिखा है, सेकेंड थर्ड, मैं भी इसको जस्ट रिपीट कर रहा हूँ, कॉपी की फ्रेम, फिर यहाँ से पेस्ट की फ्रेम, और फिर से इसको हम इसका मोशन प्लेस चेंज कर देंगे, यहाँ ले आएंगे। देखिए पीछे की ओर ना इसकी पोजीशन दिख रही है, और ये पीछे की ओर बिफोर और आफ्टर फ्रेम को देखने का तरीका है ये, और जो अभी डार्क में दिख रहा है ये एक्टिव फ्रेम। यहाँ फिर से कॉपी की फ्रेम किया मैंने, और नेक्स्ट वाले में पेस्ट की फ्रेम,
अभी फिर से हम इसको पोजीशन चेंज करते हैं, यहाँ ले आते हैं इसको, देखिए है ना, और इसका मोमेंट अभी आएगा आपको, आपके सामने दिखाई देगा। फिर से कॉपी की फ्रेम करते हैं और ये नेक्स्ट वाले फ्रेम पे पेस्ट की फ्रेम करेंगे और इसको चूज करके फिर यहाँ ले आएंगे। अभी आपका कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल इसकी वहाँ आपके लीफ में आ गया। देखिए लगभग क्या बनेगा एनिमेशन देख करते हैं। देखिए ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड सीधे वहां आ रहा है आपके लीफ में। इसको स्लो कर सकते हैं, जैसे बहुत फास्ट है ये, तो मैं इसका ना स्पीड यहां से कम कर रहा हूं। देखिए अभी देखिए स्पीड कम हो गया, ये हो गया। अच्छा अभी इसके साथ साथ जो है मैं अभी फिर से एक लेयर ले रहा हूँ और उस लेयर पे हम, क्योंकि हमें सब कुछ इसका रेंडरिंग भी करके देखना है, तो मैं इसको यहाँ से फिर से एक फ्रेम ले रहा हूँ मैं। और फ्रेम लेने के बाद जो है यहाँ अभी मैं दूसरा एक अब चीज क्रिएट करता हूँ, क्योंकि क्लोरोफिल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नीचे से वाटर आएगा, वाटर बाद में बनाते हैं है ना। अब इस सनलाइट की रेस की बात करते हैं, तो सनलाइट की रेस के लिए मतलब मैं इस कलर को यूज करता हूँ, रेड बिल्कुल येलो इस कलर यूज करता हूँ। सपोज मान के चलिए कि यहाँ मैंने एक ब्लैंक हो गया क्रिएट कर दिया, क्रिएट ब्लैंक फ्रेम, और इस फ्रेम मैंने यहाँ से इसको ये देखिए ब्रश टूल का यूज करके भी है। जस्ट एक एरो दिखा रहा हूँ ताकि पता चले कि ये एरो, इसको हम थोड़ा सा थिक कर लेते हैं ब्रश ताकि अपीयरेंस थोड़ा सा क्लियर हो। ये है सनलाइट, एरो जो है सनलाइट है, इसकी पोजीशन को हमें थोड़ा सा अब जो है एनिमेट करना है, जी तो मैं इसी सर, यहाँ पे मैं आपको बीच में थोड़ा सा टोकना यस चाहूँगी, क्योंकि हमारे पास इस वक्त तो बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं वो हमें लगातार देख रहे हैं, और हम भी जी चाह रहे हैं कि वो ये पूरा एनिमेशन प्रोसेस जो है वो अच्छी तरीके से और ज़्यादा डीप तरीके से जो है वो इसको अंडरस्टैंड करें। हमारे पास हमारा जो यूट्यूब का लाइव चैट बॉक्स है उसमें भी इस आज के लाइव सेशन को काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रेज़ किया जा रहा है, और कुछ सवाल भी यहाँ पर जो है वो लोगों के हैं। तो यहाँ पे यस मैं जागेश्वर जी का मैसेज आपके लिए लेना चाहूँगी। वो ये जानना चाहते हैं कि रिस्पेक्टेड सर, इज देयर एनी सिंपल ऐप टू क्रिएट एनिमेशन फॉर दोज टीचर्स हु आर नॉट वेरी फेमिलियर विद कंप्यूटर? और हाँ इनका एक सवाल सर और भी है, इन्होंने अपने दो सवाल भेजे हैं, और इनका दूसरा सवाल ये है कि रिस्पेक्टेड सर, प्लीज टेल दैट आर देयर सम ऑलरेडी मेड टेम्पलेट्स देयर इन कृता? क्या बताएंगे सर? यस ऑलरेडी मैं हिंदी में बोलूं जी 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 क्योंकि हिंदी सेशन है, तो देखिए हमने पिछले सेशन में भी इंग्लिश में इसको कवर किया था कि ऑलरेडी बने हुए टेम्पलेट आपके जो हैं बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। मैं वही इसलिए तो यहीं से स्टार्ट किया था मैंने कि आपके पास यदि कोई कॉन्सेप्ट है तो एग्जैक्टली आपके माइंड आपके सब्जेक्ट का जो कंटेंट है या कॉन्सेप्ट है एग्जैक्टली वैसा का वैसा कंटेंट या टेम्पलेट कहीं नहीं मिलेगा आपको। वही तो मैं बता रहा था कि इस कृपा की हेल्प से आप एग्जैक्टली आपके दिमाग में जो चल रहा है ना वो रेडीमेड टेम्पलेट वहाँ मिलेगा। मगर अभी जैसे सपोज मान के चलिए कि मैं अभी एनिमेशन कर रहा हूँ, तो ये मैं ना जैसा मैं चाह रहा हूँ कि मैं जिधर से कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है या लाइट आ रहा है या कोई भी कॉन्सेप्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश हिंदी किसी का, तो आप वो कॉन्सेप्ट को जो आपके दिमाग में विजुअलाइजेशन चल रहा है एग्जैक्टली आपके पास वैसा का वैसा टेम्पलेट कहीं नहीं मिलेगा आपको। हाँ मगर आपके इन टूल्स का बिहेवियर कैसे होता है, क्या इसका फंक्शनिंग है, इसके रेडीमेड ट्यूटोरियल्स हैं जो आपकी क्रेता की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस वेबसाइट पे जाके ना वो आप ये पर सारा का सारा स्टडी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, तो मैं अभी नेक्स्ट इस एनिमेशन को आगे बढ़ाता हूँ। हाँ जी सर, हाँ जी बिल्कुल, हाँ तो देखिए मैं अभी नेक्स्ट वाले मैंने यहाँ नाम नहीं लिखा है, मगर एरो जो है ये मैं ये किसके लिए दिखा रहा हूँ, सनलाइट के लिए। तो देखिए सनलाइट के लिए मैं ये एरो दिखा दिया, तो अभी हम इसको कॉपी करते हैं, कॉपी की फ्रेम, और फिर से यहाँ मैं कर रहा हूँ इसी फ्रेम को मैंने पेस्ट की फ्रेम किया, और पेस्ट की फ्रेम करने के बाद मैं इस एरो को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ। देखिए कि कितना इस मैं चूंकि अभी इसमें ने कार्बन डाइऑक्साइड में जगह ज़्यादा स्पेस ज़्यादा ले लिया था, मैंने थर्ड वाला फ्रेम यहाँ लगाया और फिर से इसी की फ्रेम को कॉपी करता हूँ, कॉपी की फ्रेम, देन यूज़ द पेस्ट की फ्रेम, ठीक है, और फिर से मैं इस मूव टूल का यूज़ करके अभी इस सनलाइट वाले फ्रेम को रेस को यहाँ तक ले आता हूँ, ठीक है। फिर से मैं इसी फ्रेम को कॉपी की फ्रेम करता हूँ, एक फ्रेम छोड़ के पेस्ट की फ्रेम कर देता हूँ, है ना। तो मैं फिर से उसको यूज करके यहाँ देखिए ये सनलाइट का लाइट यहाँ आ गया, मतलब इतना, ठीक है। आपको जो दो तीन मैं यहाँ से फिर से बता रहा हूँ कि ये जो ओनियन स्किन
ओनियन स्क्रीन का जो टूल है आपको प्रीवियस फ्रेम आफ्टर और बिफोर फ्रेम का रेफरेंस देता है। जैसे मैंने ऑफ कर दिया ना, तो अभी एरो जो दिखाई दे रहा है आपके पास, वो एक्टिवेट जो फ्रेम है ना वो दिखाई दे रहा है। मैं जैसे ऑन करूंगा तो पीछे के दो प्रीवियस फ्रेम भी दिखाई दे रहे हैं, उनकी क्या पोजीशन है, तो वो हमें गाइड करता है कि किस तरफ हमारा एनिमेशन है और अगला फ्रेम कहाँ होगा। मैंने फिर से इसको कॉपी फ्रेम की फ्रेम किया और एक यहाँ पेस्ट फ्रेम किया। एग्जैक्टली उतना मेच्योर एनिमेशन तो हम बना नहीं रहे हैं क्योंकि जस्ट हम टूल्स का बिहेवियर देख रहे हैं, और इसका पोजिशन फिर से मैंने चेंज किया, देखिए यहाँ आ गया। ठीक है, ये हो गया लगभग लगभग। तो अभी इसका अगर हम, मैं इसको एनिमेशन ऑफ कर, आपके स्क्रीन ऑन करता हूँ, ऑफ करता हूँ स्क्रीन टू, और मैंने प्ले करता हूँ क्योंकि हमने केवल 20 फ्रेम का ही लिया है, प्ले करता हूँ तो देखिए क्या दिखाई दे रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड है, इधर से एरो भी आ गया, यानी फोटोसिंथेसिस को भी आपने एनिमेट कर लिया, यानी लाइट को। अभी एक थर्ड हो गया क्लोरोफिल जो ऑलरेडी है ग्रीन कलर, अभी थर्ड हो गया आपके पास फोटोसिंथेसिस का फैक्टर, हो गया आपके पास वाटर। तो वाटर मॉलिक्यूल को मैं ब्लू से दिखाता हूँ। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल मैंने फिर से यहाँ किया वो फॉर द वाटर मॉलिक्यूल, जस्ट आई एम क्रिएटिंग वन मोर लेयर, तो एक लेयर और ले लिया मैंने। और इस पे ना मैं अब क्या करता हूँ, इस पे मैं यहाँ विद द हेल्प ऑफ ब्रश की हेल्प लेके मैं जस्ट यहाँ वाटर मॉलिक्यूल लिख देता हूँ, H2O, H2O। ठीक है, H2O ले लिया। अभी हम वही चीज करेंगे यहाँ भी, और सेम वही चीज करेंगे हम लोग अभी। ये हमारे पास यहाँ H2O है इस लेयर पे, पेंट लेयर 5 पे है ना, और आप सबसे फर्स्ट करिए क्रिएट ब्लैंक लेयर। डेफिनेटली ये जो इसका इंटरफेस थोड़ा सा काफ़ी वो है, जैसे जैसे आप थोड़ा सा इस पर टाइम डिवोट करेंगे इस सॉफ्टवेयर में आप एंजॉय कर सकते हैं। और मैं फिर से एक रिपीट कर रहा हूँ मैडम, जी जितने भी टीचर बैठे हैं और मेरे साथी बैठे हैं, जितने भी वर्ल्ड इंडिया से देख रहे हैं, कि आप मेरा रिक्वेस्ट मान लीजिएगा। मैं लगभग 33 साल से काम कर रहा हूँ और ये सॉफ्टवेयर करीब 10-15 साल हो गया लॉन्च हुआ है, इंडिया में इसका कम यूज़ हो रहा है, जी मगर सारे टीचर्स के लिए मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सॉफ्टवेयर को थोड़ा सा समय निकाल के ना इस पे आप टाइम लगाइए। मैं बोल रहा हूँ कि थ्रू आउट द लाइफ आपकी टीचिंग में आपको किसी दूसरे सॉफ्टवेयर को टच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस हाँ, इस शुरुआत के दिनों में जब सीखेंगे ना हल्का सा आपको लगेगा कि टाइम लग रहा है, मगर एक बार जब आपके टूल्स, जब टूल्स आप पहचान लेंगे है ना, तब आपको इतना एंजॉय करेंगे और वो टीचिंग कंटेंट डेवलप कर सकते हैं कि आप किसी पब्लिशर या किसी दूसरे साइट पे नहीं होगा। तो चलिए बिल्कुल हम सर, थोड़ा, यहाँ पर एक और हमारे व्यूअर हैं जिनका मैसेज आया है, हम उसको भी यहाँ पर ज़रूर जोड़ना चाहेंगे अपने प्रोग्राम में। श्योर, डॉक्टर प्रेरणा माध्यान, इनका हमें मैसेज आया है हमारे लाइव चैट बॉक्स में, और ये जी जानना चाहती हैं, इनका प्रश्न ये है कि सर, व्हाई आर यू गिविंग स्पेस बिटवीन द फ्रेम्स? तो यस ये क्या बताएंगे सर इसके बारे में, क्योंकि लोग हाँ काफ़ी इच्छुक हो रहे हैं और इस ऐप को भी, इस एनिमेशन ऐप को काफ़ी डिटेल में जो है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो लगातार मैसेजेस हमारे पास आ रहे हैं आपके लिए। बहुत सुंदर, मुझे भी अच्छा लग रहा है कि लोग देख रहे हैं और इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ बहुत अच्छा बिल्कुल, क्वेश्चन, और जी सर, समय की भी कमी हमारे पास है, तो हम कोशिश मैं करेंगे कि बिल्कुल जल्द से जल्द इसे रैप अप करें। तुरंत जी तुरंत हम इसको समअप करते हैं, वाइंड अप जी करते हैं। जी मैडम का आंसर, क्वेश्चन का आंसर दे दूं, हाँ जी बीच में मैं एक एक फ्रेम छोड़ दे रहा हूँ वापिस ना, मैं ब्लैंक छोड़ दे रहा हूँ। वो इसलिए कि एनिमेशन में सबसे बड़ी चीज़ है कि टाइमिंग, टाइमिंग पे जिसका कंट्रोल है वो अच्छा एनिमेशन क्रिएट कर सकता है। तो मैं अपना ना यहाँ अगर हर फ्रेम पे अगर बनाता हूँ, मैं हर फ्रेम पे बनाता हूँ तो बहुत कम समय का करना चाहिए, टाइम बहुत शॉर्ट हो जाएगा, आपका एनिमेशन बड़ा छोटा हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ कि एक फ्रेम छोड़ के इसकी स्पीड भी मैं कंट्रोल कर रहा हूँ और हल्का समय इसका टाइम भी ड्यूरेशन भी बढ़ा रहा हूँ है ना, तो वो पर्पस ये है। और जैसे जैसे एनिमेशन के बीच में, हर फ्रेम के बीच में जितने फ्रेम, अगर आपके ध्यान से सुनिएगा कि एक फ्रेम जिस पे ऑब्जेक्ट है और अगले फ्रेम पे जिस पे ऑब्जेक्ट है, इसके बीच के अगर फ्रेम में बहुत ज़्यादा अगर फ्रेम खाली होंगे तो जर्क आएगा एनिमेशन में, स्मूथ एनिमेशन नहीं होगी। जैसे मैंने बताया ना कि 10 प्रिंसिपल्स हैं 2D एनिमेशन के, तो 10 प्रिंसिपल्स में ना वो आर्क, मेरे हाथ का मूवमेंट देखिएगा, अगर ये अगर मूवमेंट आ रहा है ऐसे आर्क बनेगा तो इससे स्मूथ एनिमेशन आएगा। जी सर, तो आप इसको एक बार फिर से दिखा सकते हैं, ये जर्क जो है वो कैसे समझें हमारे जो व्यूअर्स हैं इसे? हाँ मैं वो एनिमेशन दिखाऊं फिर से, जी देखिए ये है, देखिए ये है ना, कि मैं जैसे प्ले करता हूँ, देखिए यहाँ आपको ये दिख रहा है, ये वाला एनिमेशन देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये वाला आर्क, आर्क हाँ जी
तो देखिए फर्स्ट में ना कितना स्मूथ जा रहा है ये, और सेकेंड वाले में आर्क नहीं है, ये जर्क आ रहा है। इस जी वाले को देखिए, बीच वाले को देखिए, हाँ जी है ना, ये फर्स्ट वाले में आर्क स्मूथ बाल जा रही है, नेक्स्ट वाले में जर्क है। तो फिर अगेन ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि एनिमेशन में आपकी स्कीम क्या है, क्या चाह रहे हैं आप। हो सकता है किसी एनिमेशन में जर्क ही अच्छा लगे और किसी में बहुत स्मूथ अच्छा लगे, तो वो आपकी नीड पे। तो जल्दी से हम इसको नेक्स्ट, मैडम आगे बढ़ाऊं एनिमेशन को? बस सर हम ये चाहेंगे कि आप लास्ट में बस अब कंक्लूड कर दीजिए, क्योंकि चल हमारे अगले सेशन में ज़रूर कोशिश करेंगे कि इसको ओके कभी फिर ओके, समझेंगे। जी चलिए मैं भी चाहूँ कि मैंने H2O को एनिमेट नहीं किया, मगर जितना एनिमेट हुआ इसको हम फाइनल लास्ट स्टेप है, वो है उसको बोलते हैं रेंडरिंग। तो जस्ट 1 मिनट भी नहीं लगेगा इसको। मैं आप जी अभी हमारे पास जो ये है ये रफ रा फाइल है, और जब हम सेव करते हैं यहाँ, तो मैं सेव नहीं कर रहा हूँ अभी, सेव नहीं कर रहा हूँ, जस्ट बता रहा हूँ कि K.KRA इसका जो है एक्सटेंशन फाइल होगा, फॉर्मेट होगा, जैसे जेपेग होता है वैसे यहाँ कृता का KRA, .KRA। तो मैं अभी इसको सेव नहीं कर रहा हूँ, और सीधे जस्ट आप फाइल पे जाइए, और फाइल पे जाने के बाद यहाँ एक ऑप्शन आता है रेंडर एनिमेशन। तो रेंडर जब एनिमेशन करेंगे तब जाके आपके पास एनिमेशन बन पाएगा जो किसी भी प्लेयर पे चला सकते हैं आप। अभी तो ये रॉ फाइल है, रेंडर एनिमेशन के लिए ये आपके पास विंडो आएगा, और देखिए FFmpeg ये पासकोड है, और ये पासकोड आपके सिस्टम पे होना चाहिए पहले से। तो मैंने अपने सिस्टम पे पहले से पासकोड डाल रखा है, और ये देखिए यहाँ दिख रहा होगा पासकोड FFmpeg, ये पासकोड मैंने क्लिक किया, यहाँ ओपन किया। अभी आप जस्ट इसको दे दीजिए लोकेशन कहाँ सेव करना है, तो मैं इसको सेव करने के लिए मैं अपना लोकेशन दे देता हूँ, मैं अपने वाले सिस्टम पे डाल रहा हूँ इसको, एंड मैं लोकेशन दे दे रहा हूँ। ये हो गया फोटो, मैं जस्ट फोटो सिंथेसिस, और मैंने MPG4 फॉर्मेट में इसको सेव कर रहा हूँ, है ना। तो देखते हैं कि ये अभी हमारा फाइनल प्रोडक्ट सेव कर लिया मैंने, और देखिए ओके करेंगे तो छोटा सा ये देखिए ये रेंडरिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया कंप्लीट। अभी मैं इसको ऑफ कर दे रहा हूँ, और अपने सिस्टम से उस फाइल को निकालता हूँ कि वो रेंडर हुआ है कि नहीं हुआ है। ये देखिए तो कुमला की वो रेंडर होने जी के बाद तो यही ये प्रोडक्ट दिखाई देगा, ये जो हाँ दिख जी रहा है अभी तो रेंडर, वो फाइल कहीं और से हो गई तो मैं निकाल नहीं पा रहा हूँ उसको। एग्जैक्टली आपको वो MPG फॉर्मेट में मिलेगा, ये जी जो है वो मैंने कहीं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ कहाँ से हो गया हो। कोई थैंक यू बात नहीं सो सर, मच, हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने यस काफ़ी अच्छी तरीके से जो है वो हमारा आज का ये लाइव सेशन देखा होगा, और कृता से किस तरीके से आप एनिमेशन 2D एनिमेशन आप बना सकते हैं ये अपने हमारे आज के इस लाइव सेशन में आपने हमें और हमारे व्यूअर्स को सिखाया। आप हमारे साथ जुड़े संतोष सर, और आपने इतना समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मैडम, धन्यवाद। तो इसी तरह हमारे व्यूअर्स जो हमारे टीचर्स इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं या जो भी हमारे स्टूडेंट्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, तो हम उम्मीद करेंगे कि जो आज आपने हमारे इस लाइव सेशन में देखा है, समझा है कि कृता को किस तरीके से आप जो है उससे उसको इस्तेमाल करके आप कैसे एनिमेशंस जो है वो आप 2D एनिमेशंस बना सकते हैं, और किस तरीके से इस ऐप को और डिटेल में समझ सकते हैं आज आपने जाना, और हम उम्मीद करेंगे आज का लाइव सेशन आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। लेकिन अगर आप हमारा जो 5 दिन 5 घंटे का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है, जिसका आज दूसरा दिन था, लेकिन हमारे आगे आने वाले सेशंस कौन से टॉपिक्स पर होने वाले हैं, क्या विषय रहेंगे, उनके बारे में भी आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। आप हमारी वेबसाइट पर जाइए CIET.NCERT.GOV.IN, इसके अंतर्गत एक्टिविटीज़ को आप क्लिक कीजिए। इसके बाद आप वर्कशॉप और ट्रेनिंग पर क्लिक कर सकते हैं। आप स्क्रॉल करेंगे नीचे तो आज का जैसा हमारा प्रोग्राम चल रहा है शिक्षण एवं अधिगम के लिए डिजिटल संसाधन के रूप में एनिमेशन, इस पर आप क्लिक कीजिए। एक यहाँ पर पेज नया और खुल जाएगा, ये दिया हुआ है हमारा पूरा का पूरा एक टेबल, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमने आज यानी कि 24 सितंबर को बात की कृता का उपयोग करके एनिमेशन किस तरीके से आप बना सकते हैं।
25 सितंबर को आप जान सकते हैं स्टॉप मोशन एनिमेशन बनाने के बारे में। 26 सितंबर को आप हमारा लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप जानना चाहेंगे पिक्सन का उपयोग करके कॉमिक स्ट्रिप किस तरीके से बनाई जा सकती हैं। और 27 तारीख को भी हमारा टॉपिक एक है कि बिटेबल का उपयोग करके एनिमेशन बनाना। तो एनिमेशन के दुनिया से अगर आप जुड़ना चाहते हैं और उसके बारे में तमाम जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो हमारे आगे आने वाले 3 दिनों का जो ये सत्र है इसको देखना बिल्कुल ना भूलें। आज हमारे साथ मौजूद थे श्री संतोष कुमार बिसेन जी, PGT जीव विज्ञान जवाहर नवोदय विद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ से। स्टॉप मोशन एनिमेशन किस तरीके से आप बना सकते हैं इसके बारे में जो कल हमारा कार्यक्रम होगा उसमें हम उम्मीद करेंगे कि हमारे साथ जुड़ेंगे श्री अमोल किशन हनकरे जी। और अगर आप भाग लेना चाहते हैं किसी भी तरीके से हमारे इस ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में तो कैसे आप भाग ले सकते हैं आपको हम इसके बारे में भी बता देते हैं। जी हाँ, पहला चरण है पंजीकरण का। तो प्रतिभागियों को निम्नलिखित लिंक या इस QR कोड का उपयोग करके पंजीकरण करना होगा। या तो आप इस लिंक पे क्लिक करिए या फिर आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। हमारा दूसरा चरण होगा कि सीधा प्रसारण सत्र देखें और विषय के बारे में जानें। प्रतिभागियों को प्रशिक्षण सत्र में भाग लेना होगा जिसका NCERT के आधिकारिक YouTube चैनल जो कि हमारा ऑफिशियल YouTube चैनल है इसका सीधा प्रसारण 23 से 27 सितंबर 2024 को शाम 4 बजे से 5 बजे तक किया जाएगा। सत्र का सीधा प्रसारण निम्नलिखित चैनलों पर भी उपलब्ध रहेगा। तो चरण तीसरा है हमारा ऑनलाइन पाठ्यक्रम में नामांकन करें और स्त्रोत्तर गतिविधि में भाग लें और प्रमाण पत्र आप प्राप्त कर सकते हैं। ये किस तरीके से आप कर सकते हैं तो दीक्षा पोर्टल पर लॉन्च होने वाले ऑनलाइन पाठ्यक्रम में शामिल हों और प्रशिक्षण के अंतिम दिन शाम 7 बजे तक पाठ्यक्रम लिंक इवेंट पेज पर अपडेट कर दिया जाएगा और ये कोर्स हमारा 30 मार्च 2025 तक खुला रहेगा। अगर आप इसमें 70% या उससे अधिक अंक प्राप्त करते हैं तो आपको एक प्रमाण पत्र भी इसका दिया जाएगा। चौथा चरण है हमारा, अगर आप अपनी प्रतिक्रिया कोई जाहिर करना चाहते हैं, कार्यक्रम आपको किस तरीके का हमारा लग रहा है बताना चाहते हैं तो आप इस लिंक पर या तो क्लिक करिए या फिर आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। आप हमें मेल भी कर सकते हैं training.helpdesk@cert.nic.in पर या फिर आप हमें फ़ोन कर सकते हैं 8800440559 पर। तो हमारे आज के इस लाइव सत्र में बस इतना ही, लेकिन कुछ ही देर में होंगे हाजिर लेकर मनोदर्पण कार्यक्रम जिसके अंतर्गत आप देखेंगे सहयोग कार्यक्रम हमारा और उसमें आज का हमारा टॉपिक होने वाला है यानी कि विषय होने वाला है एक्टिविटीज टू बूस्ट मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। तो बने रहिए हमारे साथ, फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।